नमस्कार दोस्तों, यर्न टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि द शू डॉग बुक से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं। दोस्तों, ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट के जीवन के उन 18 सालों की, जिसमें उन्होंने नाइकी के शुरू होने से लेकर एक इस्टेब्लिश फुटवेयर और अपैरल कंपनी के सफ़र को बताया है। फिल नाइट का जन्म पोर्टलैंड ओरेगन में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन से ग्रेजुएशन और स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स किया। उनके पास CPA की भी डिग्री है। उन्होंने एक साल के लिए US आर्मी के लिए भी काम किया। आइए अब जानते हैं इस किताब से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं। कभी न रुकिए। फिल नाइट को बचपन से ही रनिंग का बहुत शौक था। वे रोज़ 6 से 7 माइल दौड़ा करते थे। जब वे 24 वर्ष के थे, तब एक दिन उन्हें अपने रनिंग शूज़ के आइडिया के बारे में ध्यान आया। उन्होंने सोचा था कि वे जैपनीज़ रनिंग शूज़ इम्पोर्ट करके US में बेचेंगे। उस समय US मार्केट में जर्मन शूज़ का बोलबाला था, और फिल का मानना था कि जैपनीज़ रनिंग शूज़ जर्मन शूज़ के साथ वह कर सकते हैं जो जैपनीज़ कैमरों ने जर्मन कैमरे के साथ किया था। तब उन्होंने सोचा कि चाहे कोई भी आपके आइडिया को कितना भी पागलपन से भरा क्यों ना कहे, आप चलते जाइए। रुके नहीं, बल्कि रुकने के बारे में सोचे भी नहीं जब तक आप वहाँ ना पहुँच जाएँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। कुछ भी हो, बस चलते जाइए। और उस दिन के बाद वे अपना आइडिया पूरा करने के लिए लग गए और उसे पूरा करके दिखाया। गुस्से को अपनी ताकत बनाएं। एक बार यह जानते हुए भी कि फिल की तबीयत ख़राब है, उनके हाई स्कूल के कोच बिल बावरमैन ने उन्हें रेस करने को कहा। फिल को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने टूटने की जगह अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाकर रेस की और अपना सबसे अच्छा समय निकाला। उसके बाद उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जहाँ उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको चाहिए विश्वास अपने प्रोडक्ट पे। फिल नाइट जब अपना आइडिया पूरा करने के लिए निकले, तब वह कुछ समय के लिए होनोलुलु रुके, जहां उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया और सिक्योरिटीज़ बेचने की कोशिश की, जिसमें वे असफल रहे। लेकिन जब उन्होंने शूज़ बेचने शुरू किए, तो उन्हें शुरू से ही सफलता मिली। इसका मुख्य कारण था शूज़ में उनका विश्वास। उन्हें टाइगर शूज़ पर पूरा विश्वास था, और वे मानते थे कि रनिंग करने से लोगों की सेहत में सुधार होता है और वे इस बदलाव का हिस्सा हैं। भूलने की कला। फिल का मानना था कि जीवन या बिजनेस में भूलने की कला का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और आप अपनी कमियों, अपनी आशंकाओं, अपने दर्दों को भूल जाएं, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। फिल ने अपने बिजनेस में इस कला का इस्तेमाल किया और अपने से बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। जीवन में किताबों का महत्व। फिल नाइट को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें वॉर से संबंधित किताबें पढ़कर अलग अलग जनरल्स की युद्ध नीतियाँ और लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में जानना बहुत पसंद था। वे इन स्टाइल्स को अपनी कंपनी को मैनेज करने में इस्तेमाल करते थे। जब फिल पहली बार जापान गए, तो वे अपने साथ एक किताब ले गए जिसका शीर्षक था हाउ टू डू द बिजनेस विद जापानीज़। इस किताब ने उन्हें जापानीज़ के साथ बिजनेस करने में बहुत मदद किया। ज्ञान बढ़ाने के लिए बांटें। किसी भी चीज़ में अपनी जानकारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे दूसरों के साथ बांटना। फिल अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा बांटते थे, जिससे ना सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ को उसका लाभ होता था, बल्कि फिल की भी ज्ञान वृद्धि होती थी। तो दोस्तों, ये थी द शू डॉग बुक से मिलने वाली लर्निंग्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।